साला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और आप शायद पूछ रहे हैं पिछली बार मैंने यहाँ किस तरफ में याम इकबाल पर मैंने माहौलियाती नज़रियात पर, यानी इकबाल की नज़म में माहौलियाती नज़रियात पर मैंने बोला। इस बार मैं ज़्यादातर हमारे यहाँ बोलूँगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं और क्या हमारे सामने क्या मकसद है उपसाल यूनिवर्सिटी में। और पर इसके साथ मौलाना इकबाल का भी एक तरह से वो आप देख लेंगे एक रिश्ता है। एक तो ये मैं शुरू से मैं कहूँगा कि मैं ओरिएंटल कॉलेज से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है प्रोफेसर नबील रहमान के साथ, जिनके साथ मैंने उस किताब को निकाली जिस पर मैं भी कुछ बात करूँगा। और ओरिएंटल कॉलेज वैसे मौलाना इकबाल खुद एलुमनस नहीं है ओरिएंटल कॉलेज के, वो गवर्नमेंट कॉलेज के लाहौर में, पर वो बिल्कुल बगल में है। पर 1899 से मेरे ख्याल से 1903 तक ओरिएंटल कॉलेज में अरबी पढ़ाते थे, और अरबी से उन्होंने तर्जुमा भी किया उर्दू में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, एक रिश्ता है उस तरह से। इसके अलावा हम तो बहुत दिनों से पढ़ते रहे, और हाँ बदलते हुए ज़माने की बात हुई। पाकिस्तान में भी आज काफ़ी बदलाव आ रहा है, बदलता हुआ ज़माना है पाकिस्तान में भी। और अगर हम आलमियात को देखते हैं तो वो सवाल हमेशा उठता है कि वो आलमियात का मतलब क्या है। हम सब अंग्रेज़ी बोले, अंग्रेज़ी तहसीब के पीछे दौड़ें, या आलमियात का मतलब है दूसरा कुछ है कि हम तो अलग हैं पर मुख्तलिफ हैं, पर उसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ ये ज़रूरी है कि हम अमन रखें। तो आप देख लीजिए, मैं स्वीडन में, हमारे यहाँ वो कोर्सेज हैं उर्दू में, जहाँ तक मुझे मालूम है इस वक्त सारे नॉर्डिक कंट्रीज़ में सिर्फ यानी जामिया के लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर हम ही पढ़ाते हैं, और वो भी ज़्यादातर इब्तदाई उर्दू है, यानी शुरुआती उर्दू। ये खेद की बात है, मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करता रहा, पर हमारी यूनिवर्सिटी में वो नई जगह बहुत मुश्किल से बनती हैं आजकल, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सब कुछ है। फिर मैंने पाकिस्तान में भी कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इस पर बात हुई, और अभी भी बातें चल रही हैं कभी कभी, पर अभी तक उससे कुछ निकली नहीं। वैसे हमारे यहाँ हम इंडोलॉजी में पढ़ाते हैं, इंडोलॉजी की बहुत का एक सिलसिला है बहुत दिनों से, और इसके अंदर में हिंदी और उर्दू का फ़र्क तो है, पर हम दोनों पढ़ाते हैं, और हिंदी पढ़ाते हैं और उर्दू पढ़ाते हैं। यहाँ वो मैं दिखाना चाहता हूँ, कभी कभी हमारे बच्चों से पढ़ता हूँ रानी के तकी की कहानी इंशाल्लाह खान, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में कुछ बात करूँगा, क्योंकि वो कुलियाती रेख्ती के अंदर में इंशाल्लाह खान आएगी, जो हमारे दोस्त अयाज अहमद जो हमारे प्रोजेक्ट में उसी लुखात में हमारे साथ थे, उसमें बहुत कुछ जानते हैं, लिखते भी हैं उसमें। इंशाल्लाह खान वहाँ लखनऊ के थे। ये देखिए, ये जो हमारे हिंदी के और उर्दू के दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको, यानी एक ही एडिशन दोनों ज़ुबान में, वो कुछ लोग इसको हिंदुस्तानी समझते हैं वो ज़ुबान, जिसमें उर्दू के अल्फाज ज़रूर अरबी के अल्फाज भी हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं, जो हिंदी के अंदर में भी मामूली हैं वे अल्फाज उसके अंदर में होंगे। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बहुत दिलचस्प है। ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का ना मेल है ना पुट, सिर रगड़कर नाक सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ, ये सब हिंदी में है ना, हिंदुस्तानी से हैं। उस अपने बनाने वाले के सामने, उस अपने बनाने वाले यानी खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, तो इस तरह से बहुत दिलचस्प है। यहाँ कुछ ये समझाने के लिए कुछ उसमें नोट्स भी हैं बहुत दिलचस्प, वो हम पढ़ते हैं साथ साथ। और हिंदी उर्दू सिंस 1800 के रीडर, जिसके अंदर में बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी क्लासों में, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हम लेते हैं, उसके साथ नोट्स भी हैं जाकि हमारे बच्चे, अगले तस्वीर में मैं दिखाता हूँ, हमारे बच्चे समझ पाएंगे। 19वीं सदी की उर्दू है, वो एक ज़ुबान भी थोड़ी अलग है। इसके अलावा जो अंदर में जो कॉन्सेप्ट, इसको भी समझने में हम बच्चों के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर में भी वो होती है ना, वक्त बदलता है, ज़माना बदलता है, तो वो एक वन लैंग्वेज टू स्क्रिप्ट, कुछ लोग समझते हैं हिंदी उर्दू एक ही ज़ुबान है, क्रोएशियन और सर्बियन की तरह एक तरह से, कुछ कुछ हद तक कम से कम।
तो वो हम पढ़ते हैं, ये हमारे कोर्सेज के अंदर में क्रिस्टोफर किंग। लोग अंग्रेजी समझते हैं वैसे, जैसे आप जानते हैं सब लोग स्कूली अंग्रेजी समझ लेते हैं, पर इनके लिए बोलने की आदत बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों को कुछ अजीब लगता है जब इनको अंग्रेजी में बोलनी है, पर समझ लेते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी भी है। पुराने ज़माने में यहाँ जर्मन भी समझते थे, कुछ फ्रेंच भी समझते थे। जैसे आप जब 50 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी में कम से कम लोग समझते थे जर्मन आनी ही चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पर वो आप ज़माना बदल रहा है वो आजकल अंग्रेजी का वो है बहुत कुछ हद तक। और मैं देखता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ, किसी ने फ्रेंच सीखी स्कूल में 4 साल तक 5 साल तक या जर्मन सीखी, जब मैं इनसे फ्रेंच या जर्मन में बात करने के लिए कोशिश करता हूँ तो लोग ऐसे ही चकते हैं। और उनके साथ भी वही है, मालूम नहीं लोगों के अंदर में हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर में आजकल हिम्मत है, 20 साल पहले मेरे अंदर में भी वो हिम्मत नहीं थी, अब तो है, अब हो गई। अब कहते कलंदर हैं हम लोग और कुछ और क्या शर्म चली जाती है ना उसके साथ, वो मैं बच्चों से कहता हूँ। तो जब कोई आपसे और में बात करना चाहेगा यहाँ स्टॉकहोम में शायद अजीब सी उर्दू, तो आप ज़रूर जो उर्दू में जवाब दें वो बहुत ज़रूरी, धीरे धीरे बोलिए, लोगों को इस तरह से वो मिल जाएगा थोड़ा सा। एक हो साउथ एशियन लैंग्वेज, वो उसके अंदर में बहुत है, ये भी कोर्स लिटरेचर के अंदर में है, सोशल लिटरेचर कल्चर साउथ एशियन, वो सब हमारे सिलेबस के अंदर में इस तरह की किताबें हम पढ़ते हैं। उर्दू रीडिंग्स प्रोज एंड पोएट, नईम साहब वो भी चिकागो के थे, अब रिटायर हैं नईम साहब, बहुत बड़े हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, सूफियाना में खासकर वो थे उसमें, पर अदब में भी। तो इस किताब को हम इस्तेमाल करते हैं, वो सैयद आसानी और हैदर की किताब, और आसानी साहब वो अनिमेशम अपने को अनिमेशम का बच्चा समझता है और बहुत साल तक इनके साथ होती रही। अनमय शिमल जो जर्मनी के मिस्टिकल डायमेंशंस ऑफ इस्लाम की मोटी मोटी किताब है इनकी, और कई किताबें हैं, इन्होंने बाली जिब्रील का भी तर्जुमा किया और कई बाकी दूसरी चीज़ों का भी, मौलाना साहब के तर्जुमा किया, और अंसानी साहब हार्वर्ड में थे, अनमय शिमल भी बहुत साल तक हार्वर्ड में थी, पहले बॉन में, पहले टोक्यो में थी, इसके बाद बॉन में, फिर अब फिर वापस चली गई बॉन, और मेरा उपसाला जाने से पहले मैं भी बॉन में था, तो अनवीर शिमल का भी बहुत सुना मैंने उस वक्त, और उर्दू मैंने इनके साथ शुरू नहीं की, पर बाद में उनके साथ भी थोड़ी कुछ क्लासें मैंने इनके साथ भी की, बहुत बुरी तो थी उस वक्त, पर 2003 मेरे ख्याल से इनकी मौत हुई, ऐसे तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तो वही आसानी साहब की किताब हम इस्तेमाल करते हैं, लेट्स स्टडी उर्दू उसके साथ है इंट्रोडक्टरी कोर्स। इसका एक फ़ायदा ये है कि शुरू से ही नस्तालिक में लिखना पढ़ना पड़ता है, उसमें मैं बहुत जोर देता हूँ कि लोग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, शुरुआत तो मुश्किल है पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग हम तो पढ़ाते हैं, हम लोगों के अंदर में थोड़ी सी धीरज भी रखनी है, कुछ वो भी ज़रूरी है कि और लोग बहुत डरते भी हैं शुरू में, और मैं उनसे कहता कोई बात नहीं, कोशिश करो, मैं मदद देता हूँ वगैरह, वो इस तरह से होता है। और वो यहाँ बारकर का भी हम इस्तेमाल करते हैं स्पोकन, क्योंकि मैं कोशिश करता कि लोग समझते हैं कि वो एक जिंदा जुबान हो, कि लोग बोलते भी हैं, मुँह को भी खोल देते हैं, हालांकि जैसे मैंने कहा था शर्माते हैं बहुत यहाँ के लोग। हाँ, अब मैं थोड़ा कुछ बातें करूँगा और क्या है, ये पुराने ज़माने कॉलोनियल किताब है, उसका वो रिवाइज वर्शन अभी भी छपती है, द मुंशी स्टैंडर्ड ओल्ड ग्रामर, उस तरह की बहुत बहुत है, और उसके साथ भी पढ़ाने के लिए हम कभी कभी कुछ लेते हैं इससे, पर वो ज़्यादातर कॉलोनियल है, बाकी मटेरियल बहुत कम है। तो उर्दू में वो तकलीफ है कि ख़ासकर गैर मुल्कों सिखाने का ठीक से ढंग नहीं, लोग कोशिश करते हैं इधर उधर, कुछ लोग है गैर मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर में भी इधर उधर कुछ है, पर कोई इस तरह से ढंग नहीं है। और मुझे कहना है, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं गलत बोलता, हिंदी थोड़ा सा उससे आगे है, तो हिंदी में आपको बहुत कुछ मिल जाएगी, या बहुत कुछ नहीं पर काफ़ी कुछ मिल जाएगी जो आपको उर्दू के लिए नहीं मिलेगी। वैसे आसानी साहब की किताब वो है, फिर नईम साहब की है वो भी पुरानी किताब है,
और पाकिस्तान के अंदर से आजकल बहुत कम, बस वो भी हमारे अंदर में वो हमारे सिलेबस के अंदर में है। इन टालबोट आप जानते होंगे, कुछ लोग पाकिस्तानी न्यू हिस्ट्री, जाफोलो की किताब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो ओरिजिनल फ्रेंच में है। तारिक अली पाकिस्तान में बहुत लोग इनको पसंद नहीं करते, मैं जानता हूँ फिर भी थोड़ा सा वो हम इसको भी देते हैं। उसका वो जैसे आप देखते हैं स्वीडिश तर्जुमा भी है और बच्चे पसंद करते हैं। इसके अलावा जब इकबाल की बात होती है, एक बहुत अहम किताब यही है मेरे ख्याल से, वो हैदराबाद से जर्मनी से निकली है, इकबाल एज अ पोएट एंड मुस्लिम पोलिटिकल थिंकर कई उसके अभी देखना मुश्किल है, यहाँ कोई बात नहीं कई है उसके अंदर में, वो भी हमारे सिलेबस के अंदर में है, हम इसको पढ़ते हैं। ख़ासकर ज़माना बदलते हैं, जैसे शुरू में वो सुफियाने में बहुत दिलचस्पी थी, असरार खुदी में आपको बहुत मिल जाएगी, पर बाद में बाल जिब्रील में और ख़ास कर ज़र्बकली में वो थोड़ा कम हो जाता है, तो वो सब जो पहले था उसके अंदर में वो बदलते थे। फिर बियाबान तक हमको वापस लौटना है, सर से लिखते हैं ना। और ठीक है, शुरू में परिंदे की फरियाद वो तो मशहूर है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पर वो भी पहले का है, बाद में दूसरे ढंग से सोचने लगे, ऐसे 1920 के बाद तकरीबन जो भी हो। इसके बारे में अनमय शिम ने भी लिखा, और ये शायद आपको दिलचस्पी होगी, उर्दू में भी आपको स्वीडिश शॉर्ट स्टोरीज आपको मिल जाएंगे। इरफान मालिक ने तर्जुमा किया इसका, मुझे मालूम नहीं कि सीधे स्वीडिश से, मुझको लगता है अंग्रेज़ी से ज़्यादातर। तो कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। तो जैसे आपके जो मालूम नहीं आप नए साल के लिए या यूल पर लोगों को वो तोहफा देते हैं पाकिस्तान में, तो ये सोचिए, मालूम नहीं कि अभी भी मिलती है कि नहीं, पर वो भी अगर कोई पूछता है आपसे स्वीडिश में अदब में क्या मिल जाएगी, तो कुछ ना कुछ है, देख लीजिए। और वो भी है वो ये हाँ, बाकी उर्दू सीखने के लिए और भी चीज़ें हैं जो असली नहीं है, सही नहीं है, इंटरनेट पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगी, पर ज़्यादातर माफ़ कीजिए बेकार है हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने देख लिया और मुझको लगता है जल्दी में बनाया गया कुछ है, पर वो सही नहीं है। बाकी ये भी आपको अजीब लगेगा, है एक लुहात उर्दू स्वेंस का उर्दू, वो बहुत साल पहले की बात है, इसके बारे उसके पीछे क्या है मुझे ठीक से पता नहीं चला, पर है मेरे पास किताब। वैसे बहुत एडवांस नहीं है, यहाँ एटिमोलॉजी नहीं है, कुछ नमूने नहीं है कैसे इस्तेमाल करने हैं वगैरह, तो वो सब नहीं है, फिर भी कुछ तो है। हाँ, वो भी हम पढ़ते हैं बच्चों के साथ, दो जुबानों में हिंदी और उसमें लफ्ज़ अल्फाज़ तो एक ही है यहाँ देवनागरी में और नस्तालीक में। हमारे यहाँ कभी अभी क्लास में फारसी के बच्चे आते हैं जो फारसी पढ़ते हैं स्वीडन में अमसालियों में फारसी, इनको लगता है अरे नस्तालीक हमारे लिए आसान है, फिर बहुत घबराते हैं कुछ दिन के बाद, क्योंकि नक्श और नस्तालीक में फ़र्क होती है ना। वो भी है, और जवेद अख्तर की है ये बरगद, तो वो भी हम पढ़ते हैं बच्चों के साथ। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उर्दू हिंदी में आपको ये सब मिल जाएगी, वो तर्जुमा है, वो तंथा यहाँ के बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, वो सारे हिंदी में मिल जाएगी, और ये देखिए सब हिंदी में, वो उर्दू में क्यों नहीं है। तो बच्चों को खासकर जब हम आने वाले या जब हम बच्चों की बात सोचते हैं तो इस तरह की चीज़ें भी, जैसे उर्दू ना सिर्फ हमारी नाना नानी की ज़ुबान है, दादा दादी की ज़ुबान है, कुछ नई सोच वो भी ज़रूरी है मुझको लगता है। और जब भी मैं पाकिस्तान में लोगों से बात करता हूँ, वो भी ज़रूरी देखना है कि नए लोग क्या सोचते हैं, इनकी क्या दुनिया है, और उसके साथ हम उर्दू की दुनिया कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है इकबाल है और सब बिल्कुल उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं, आप मेरी बात गलत ना समझिए, पर वो भी ज़रूरी है कि हमको देखनी है छोटी छोटी कहानी, जैसे खजाना साहब ने वो छोटी छोटी कहानियों का, वो शायद भी एक तरीका है, और उस तरह की चीज़ों को हमको देखने हैं आगे बढ़ाने हैं। अब मैं प्रोवर्ब्स की बात करता हूँ, हाँ
वो एक किताब के पीछे लंबी कहानी है। मेरी अयाज अहमद से बहुत 20 साल से दोस्ती सी है, वो लखनऊ के हैं, वैसे शुरू में फैजाबाद के थे, फिर प्रोवर्ब्स की बात हुई, प्रोवर्ब्स में वो फिलौत की बहुत मशहूर किताब है, वो खजीने मुहावरात, पर वो भी कॉलोनियल टाइम्स की उस जमाने की किताब है, बहुत पुरानी है और वो ज़्यादातर अंग्रेजी अफसरों के लिए हैं। आप पाकिस्तान में भी कुछ निकली हैं, अब्दुल हक और फ्लैट्स आप जानते होंगे, वो इन लुगातों में आपको मुहावरों कहावतों के बारे में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगी, पर वो अपने आप में लुगात नहीं है, वो ख़ास नहीं है। तो फिर उसको आगे बढ़ाने की बात हमने हमने सोची, हाँ कुछ तो है उर्दू कहावतें, अहमद कुरैशी की किताब है, कई चीज़ें हैं वो ज़्यादातर उर्दू की हैं, पर नबील रहमान के साथ वो भी, वैसे मैं जानता था कि अयाज उसमें मेहनत करते हैं बहुत साल से, इन्होंने इसको निकालने के लिए भी कोशिश की हिंदुस्तान में, पर वो नहीं हो पाई। फिर नबील रहमान से, जैसे मैंने ओरिएंटल कॉलेज, यहाँ आप देखते हैं ऑरेंज टाइम, उसके पहले वहाँ डीन थे, बहुत साल पहले की बात है, बहुत मशहूर लाइब्रेरी भी है, और आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का वो इस हिस्सा है बहुत दिनों से, और डॉक्टर नबीला हमारे यहाँ रुकी उपसाला में, और फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, फिर इरादा हुई कि हम अयाज को की बात आगे बढ़ाएंगे। इसमें मुझे अयाज के बारे में कुछ बात करनी है, जैसे मैंने शुरू से कहा था, वो इंशाल्लाह खान से भी वो हमारे दोस्त जो अयाज अहमद है, इन्होंने पीएचडी लिखा रेखती पर। आप मुझसे पूछेंगे शायद रेखती का मतलब है, रेखता यानी पुरानी उर्दू को रेखता कहते थे, या शुरू में रेखता का मतलब शायद दूसरा कुछ था, जैसे अमीर खुसरो के ज़माने में एक फारसी में एक हिंद जिसको वो हिंद खुद हिंदवी कहते थे, हिंदी नहीं हिंदवी कहते थे, उनको रेखता यानी मिक्स, पर बाद में रेखता का नाम वो उर्दू के लिए इस्तेमाल करने लगे। पर रेखती का मतलब वही ज़ुबान है जो औरतें बोलती हैं, और आप जो जानते होंगे ख़ासकर लखनऊ में वाजिद अली शाह के ज़माने में शिया रियासत थी, जो कुछ हद तक अंग्रेज़ों से कुछ अलग होती रही लगभग 1850 तक, और वाजिद अली शाह वहाँ पे थे, और उस ज़माने में वैसे जब आप प्रेमचंद का जो मशहूर अफसाना है शतरंज के मोहरे आप जानते होंगे, और उसमें, या शतरंज के खिलाड़ी भी कहते हैं, उसमें वो जो वाजिद अली शाह के ज़माने का वो जो की बात होती है, और वो ज़्यादातर बहुत लोग लिखते हैं उसके बारे में, वो अयाश और रंडीबाजी का ज़माना था, बहुत ख़राब मानते हैं उस ज़माने के ऊपर, अयाज ने वो रेखती उन्होंने दूसरे ढंग से देखा, वो भी बहुत दिलचस्प है जब हम सुफियाने पर बात करते हैं, वो जो खासकर चिश्ती सिलसिले में निज़ामुद्दीन चिश्ती के सिलसिले में वो बहुत अहम है कि वो जो नफ्स है हम लोगों की, वो एक 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 औरत है, और महबूब इलाही, वो ज़्यादातर निज़ामुद्दीन औलिया ज़्यादातर महबूबा इलाही, हम मर्द भी महबूबा इलाही हैं, इसका मतलब है हम खुदा के इंतज़ार में हैं, खुदा आएंगे हम महबूबा है, तो वो सब नफ्स, तो इसको इस तरह से वो सुफियाना जो सिलसिला देख कर इन्होंने रेखती दूसरे ढंग से देखा, वो ये अयाश रंडीबाजी की चीज़ छोड़ के इसको दूसरे ढंग से देखना है, ये इनकी बात है, वो उनकी कुलियात रेखती दो जिल्दों में वो निकली भी है। तो उसके बाद हाँ, आज का जो उर्दू का जो हाल है बहुत ख़राब है हिंदुस्तान में खासकर, और कुछ बेरोज़गारी भी थी, पर हमने बहुत सोचा आगे क्या कर सकते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट चलाने की बात हुई, और इसके साथ वो हमने मुहावरों कहावतों का की किताब निकाली, उसमें वो बहुत मुझको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा एक तरह से जॉइंट प्रोजेक्ट है, और एक तरह से क्योंकि अयाज लखनऊ में है, वो भी दिलचस्प है ना, खुद सुन्नी मुसलमान है पर वाजिद अली शाह के ज़माने की रेखती के बारे में लिखते हैं,
और हमारे यहाँ अब पाकिस्तान के साथ वो किताब निकलती है, मुझको बहुत अच्छा लगता है ये इस तरह के लोग, और जो दूसरे ढंग से सोचते हैं, सोचने लगते हैं, और अलामियत की बात अगर हम उसको उठाते हैं तो मुझको लगता है ये ही सही रास्ता है एक तरह से। तो वो हमने निकाला और वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के की इजाज़त से और वहाँ के दीन के इजाज़त से भी, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि अब रेखती की अवकात शायद देख लेंगे, निकालेंगे मुस्तकबिल में, वो अभी सवाल ये। और उसमें उर्दू, फिर अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में भी कुछ है, तो वो अभी है हमारा सबसे पहला कदम उसमें है। अभी जैसे मैंने कहा था, हम रेखती लुखात के बारे में सोचते हैं आजकल, उसको वो शायद हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा, अभी होने वाला है, अभी कुछ वक्त लगेगा उसमें, जल्दी में नहीं होगा, पर रास्ते पर हैं हम लोग। तो इससे अभी लंबा लंबा नहीं बोलने की बात मैंने की, पर लंबा लंबा हुआ, इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और एक बार फिर बहुत शुक्रिया कि यहाँ आपने हमको यहाँ बुलाया, मेरे लिए इज्जत की बात है, यौम इकबाल पर आपके सामने बोलने का मौका मिला और हमारी लुगात के बारे में बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।